नमस्कार प्यारे साथियों, संसार पुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 9A, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे समांतर रेखाएं क्या होती हैं और लंब समांतर लंब क्या होते हैं, ठीक है। तो और इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से कोण कितने अंश के होते हैं, कौन सा कोण किस कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे पूरी तरह से और आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। कहा गया दी हुई रेखा AB के सब AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए, इतना काम करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, क्या करना है, दी हुई रेखा AB से, इसका मतलब है कि एक रेखा में पहले से दी गई है AB, तो हमें क्या करना है कि AB एक पटरी की सहायता से एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पटरी की सहायता से AB एक रेखा खींच लीजिए, जितनी लंबी चाहें आप उतनी लंबी रेखा खींच सकते हैं। ये हो गई आपकी AB एक रेखा, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। उसके बाद कहा गया कि AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप यहाँ से आप पटरी की सहायता से अपने कापी में नाप के खींचेंगे, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देते हैं 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है और उसके बाद कहा गया है दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। अब समांतर एक रेखा कैसे खींची जा सकती है, समांतर का मतलब समझिए, समांतर यानी दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए और कभी भी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे कहीं पर भी नहीं काटेंगी, आप इसको चाहे जितनी दूरी तक दूर तक खींच सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी के समांतर एक इस प्रकार से रेखा खींच देनी है और उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये बिल्कुल समान अंतर रहेगा इनके बीच में AB और इसका हम नाम कोई भी दे सकते हैं। चलिए नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक है। हाँ, एक बात और है कि जब कभी भी दो समांतर रेखाएं होंगी तो उसके बीच समान अंतर तो होगा ही, ठीक है। और ये जो रेखा खींची गई, जो खींची गई है, इसके बीच में 19 डिग्री का कोण बनेगा, कितना 19 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें AB और PQ को समांतर दिखाना, तो किस प्रकार से दिखाएंगे, दिखाएंगे दर्शाएंगे कि AB समांतर PQ, इस प्रकार से इसको हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो इसको आप जो लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर दो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही क्वेश्चन कहा गया जो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था, ठीक है। कहा गया है कि किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। देखते हैं, खींचते हैं एक समांतर रेखा। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि दी हुई रेखा के बाहर, इसका मतलब पहले से ही हमें एक रेखा दी गई है, ठीक है। जो रेखा दी गई है उसे हम खींच लेते हैं, तो ये अपनी एक रेखा हो जाती है, इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं S और T। ये मान लीजिए हमें एक रेखा दी गई है, ठीक है, और कहा गया रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु, हम कोई बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई बिंदु क्या है, P है, कोई बिंदु क्या है, P है, कि बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है, मतलब इसी के समांतर हमें एक दूसरी रेखा भी खींचनी है। बस क्या करना, दोनों के बीच समान अंतर होना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और बस सीधी रेखा है आपको P से होते हुए
एक रेखा खींच देंगे। तो ये हो जाती है आपको, इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, कोई बंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी रेखा खींच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, रेखा वो है जो दोनों तरफ पड़ सकती है। ठीक है, तो इसका हम क्या नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी। इतना काम आप लोगों को करना था, बताइए कौन सा कठिन काम है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो के बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर, यानी ABC ये क्या है, एक त्रिभुज है, और BC के समांतर, समांतर मतलब दोनों के बीच में समान अंतर हो। ठीक है, समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए हैं, किसके समांतर, AB के समांतर। और कहा गया निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, पहला कितने समलंब हैं, कितने त्रिभुज हैं। समलंब का मतलब होता क्या है, समलंब है क्या, पहले आप ये समझिए, समलंब ऐसी आकृति जिसके दो भुजाएं क्या हों, समांतर हों, दो भुजाएं ऐसी हों जो आपस में क्या हों, समांतर हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं। और त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से क्या हो, घिरा हो, वह त्रिभुज है। ठीक है, देखते हैं एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से करेंगे, लिखेंगे उत्तर नंबर 1। कितने समलंब हैं, समलंब अभी हमने आपको बताया, ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, वो भी समांतर चतुर्भुज होता है, क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो देखिए कि आपका एक चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, FGED, तो लिखेंगे FGED, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, FGCB, और तीसरा आपका हो जाएगा DECB। ये आपके क्या हैं, समलंब हैं, कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 समलंब हैं, समलंब हैं। ठीक है, एक बात और जानना चाहे तो आप जान सकते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानना चाहे तो जान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। यहाँ पर लिख देते हैं समांतर भुजाओं का योग। ये आप लिखना चाहें, अगर आपके काम का हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, बल्कि आगे चल के आपको काम आएगा जब हम एरिया पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा आंसर देखते हैं, उत्तर नंबर 2। कितने त्रिभुज हैं, आप गिन सकते हैं, ए एफ जी। एक त्रिभुज आपका ये हो गया, एक त्रिभुज ए डी ई, और एक त्रिभुज हो जाएगा ABC। तो ABC कितने हो गए, 3 त्रिभुज हैं, 3
त्रिभुज है। ठीक है, इसका अगर आप एरिया जानना चाहें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको कक्षा 9 में जाके मिलेगा, 100% कक्षा 9 में जाके मिलेगा। ये क्वेश्चन वहां पर दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें 2-3 बातें पता होना चाहिए। पहली बात क्या है, लिख देते हैं पहला नंबर, यहाँ पर हम शर्त लिख देते हैं। ठीक है, शर्त नंबर 1 क्या है कि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये बात पता होनी चाहिए। लिखेंगे एक सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बने कोणों का योग, बने कोणों का योग 180 अंश होता है। पहली बात आपको ये पता हो। दूसरी बात, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते क्या, कौन कौन से हैं? लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण समझ लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे ये है, इसके सामने वाला कोण ये 1 और 3, ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, उसके बाद कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 2 बराबर कोण 4 के, यहाँ पर कोण 6 बराबर होगा 8 के, कोण 6 बराबर कोण 8 और कोण 5 बराबर कोण 7, 5 बराबर कोण 7। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से हैं, जैसे ये कोण 1 है तो इसका मुख किधर की ओर है, इधर की ओर, और इसका भी मुख इधर की ओर, यानी कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 5। उसके बाद अब इसका मुख इधर की ओर तो इसका मुख इधर की ओर, यानी कोण 2 और कोण 6 बराबर होंगे, कोण 2 बराबर कोण 6। उसके बाद कोण, ये देखिए कोण 3 इधर का मुख है तो इसका 7 का भी इधर का मुख है, यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, तो ये आपको 3 बात 100% पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम हल करेंगे। ये आपके बहुत काम की चीज़ है, इन्हें आप लिख लीजिए, ये आपको 9-10 तक में भी आप काम आएंगे। ठीक है, ये आपको 9 और 10 तक में काम आएंगी ये बातें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है, दिया है क्या दिया गया है, कोण 2 का मान, कोण 1 का मान दिया गया है। कोण 1 कितना दिया गया है, 30 अंश। ठीक है, कोण 1 दिया गया 30 अंश, और आपको पता है कोण 1 और 2 अगर हम जोड़ दें तो सीधी लाइन हो जाती है, यानी इस लाइन पर कितने डिग्री कोण बढ़ेगा, ये वाला 180 अंश कोण बनेगा। यानी कोण 1
कोण एक प्लस कोण दो बराबर होगा 180 अंश पहले नियम से। समझ गए? तो कोण एक की वैल्यू कितनी है, 30 है, और प्लस कोण दो हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 180 अंश। तो कोण दो बराबर 180 अंश माइनस 30 अंश, तो कोण दो की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 150 अंश। ठीक है, तो एक मान आपका ये हो गया, एक मान आपका ये हो गया। और उसके बाद अब आप यहां से देख सकते हैं कोण दो किसके बराबर, कोण चार के बराबर है। तो जो कोण दो है, देखिए यहां पर, देखिए कोण दो बराबर कोण चार क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और कितने कितना बराबर है कोण दो, 150 अंश। ठीक है, यानी ओवरऑल हमें ये पता चला कि कोण जो चार है वो है आपका 150 अंश। दूसरी बात हमें ये पता चली, ठीक है, और आगे देखते हैं जो कोण तीन है और कोण एक है ये भी तो बराबर है। कोण जो एक है कोण तीन के बराबर है, यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। अब ये कोण क्यों बराबर है, कोण एक और कोण तीन किसके बराबर, 30 अंश के, ये आखिर क्यों बराबर है, एक और तीन कहां पर बराबर, ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां से हमें कोण तीन की वैल्यू क्या पता चली, 30 अंश, केवल 30 अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें कोण एक की वैल्यू पहले से पता है, दो पता चल गई, तीन पता चल गई, चार पता चल गई, अब देखते हैं इन कोणों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए जितना कोण एक है उतना ही कोण पांच होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण पांच, क्यों बराबर है, कितना बराबर है, 30 अंश के बराबर है। और बराबर है तो आखिर बराबर क्यों है, क्योंकि वो संगत कोण है। यहां पर आप देख सकते हैं कोण एक बराबर कोण पांच क्या है, संगत कोण, यहां पर आप लिख दीजिए संगत कोण। तो यहां से हमें यह पता चला जो कोण पांच है वो आपका कितना है, 30 अंश, एक बात हमें ये यहां से पता चली। उसके बाद अब आपको पता है कि कोण पांच और कोण छह जोड़ देंगे, क्या कोण पांच प्लस कोण छह अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका योग कितना हो जाता है, 180 अंश के बराबर, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कितने भी कोण हो उन सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, तो कोण पांच कितना है, 30 अंश प्लस कोण छह बराबर 180 अंश, तो कोण छह बराबर आएगा 180 अंश माइनस 30 अंश, तो कोण छह बराबर हो जाएगा 150 अंश। तो कोण छह की वैल्यू हमें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, अभी जो कोण छह है कोण आठ के भी तो बराबर है, किसके, कोण आठ के, तो कोण छह बराबर कोण आठ बराबर कितना बराबर है, 150 डिग्री के, 150 अंश के बराबर है। तो आखिर क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए कोण छह और कोण आठ बराबर है किसके, शीर्षाभिमुख कोण है। यहां पर आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ओवरऑल ये पता चला कि जो कोण आठ है वो भी कितना है, 150 डिग्री के बराबर। आगे देखते हैं, अब जो कोण पांच है वो कोण सात के भी बराबर है, तो लिखेंगे कोण पांच बराबर कोण सात, है कितना कोण पांच, 30 अंश, यहां पर आ जाएगा
30 अंश क्यों बराबर है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमने देखिए कोण 5 पता कर लिया, कोण 6 पता कर लिया, 8 पता कर लिया, कोण 7 पता करना था, यानी कोण 7 बराबर हो जाएगा आपका 30 अंश। ठीक है, ये सारे के सारे कोणों का मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे जो रेड मार्क किए गए हैं ये आपके कोण दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी गजब का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया कि पार्श्व चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है तथा बी डी भुजा ए सी के समांतर है। जो बी डी भुजा है वो ए सी के क्या है, समांतर, ठीक है, समांतर मतलब दोनों के बीच समान अंतर है। आगे कहा गया कि कोण ए सी बी, ए सी बी 30 अंश तथा कोण ए बी डी, ए बी डी 28 अंश दिया गया है। और कहा गया कि ए बी सी, देखिए जो कोण के जो बीच वाला होता है वही हमें निकालना होता है। ए बी सी मतलब ए बी सी मतलब हमें ये वाला कोण निकालना है, ठीक है, उसके बाद डी बी के, डी बी के मतलब ये वाला हमें कोण निकालना है, और उसके बाद बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला कोण निकालना है। ये तीन कोणों को हमें निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है कि कोण ए सी बी बराबर 30 अंश, ये दिया गया है, और कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर 28 अंश, ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोण ए सी बी ये बराबर होगा कोण डी बी के, ठीक है, डी बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो भुजा है डी बी वो समांतर है किसके, सी ए के, या लिखते हैं ए सी समांतर, लिख देते हैं ए सी समांतर, ए सी जो है वो समांतर किसके, डी बी के, डी बी, इसलिए कोण डी बी के, कोण डी बी के बराबर होगा कोण ए सी बी के, ए सी बी के, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये वाली भुजा इसके समांतर है। समांतर मतलब समान अंतर, जब समान अंतर है तो कोण भी समान होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कोण डी बी के बराबर ए सी बी कितना दिया गया है, 30 अंश, 30 अंश, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक कोण तो पता चल गया, एक कोण आपका आ गया। उसके बाद हमें कौन सा कोण निकालना है, आपका कौन सा कोण आ चुका है, ये वाला, ये आपका कोण आ चुका। अब ए सी बी देख लेते हैं, ए सी बी, ए सी, अच्छा बी ए सी है, ए बी सी है, ए बी सी मतलब ये वाला कोण, और उसके बाद बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला कोण। अब एक बात यहाँ पर गौर देने वाली है, क्या बात है, जो ए बी के है वो टोटल कोण किसके बराबर होगा। अब आपको ये बात पता चल चुकी है कि ये आपका 30 अंश है, ये आपका कितना है, 30 अंश, और ये त्रिभुज का बहिष्कोण है, त्रिभुज का बहिष्कोण है। जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के दो अंता कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहिष्कोण, यहाँ पर लिख देते हैं बहिष्कोण, बहिष्कोण बराबर होगा किसके, दो अंता कोण के,
दो अंतः कोणों के योग ये बराबर होगा। और बहिष्कोण आपका है कितना, ए बी के, कोण ए बी के बराबर होगा किस, किन दो अंतःकोणों के, बी ए सी, क्योंकि ये तो इसका शीर्षा, ये आपका शीर्षा भी मुखकोण हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये बराबर नहीं होगा। तो कौन सा बराबर होगा, बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, ए सी बी के, मतलब ये जो बहिष्कोण है ये इन दो अंतःकोणों के बराबर होता है। और जो ए बी के है, ए बी के, इसमें दो कोण है, कौन, एक तो कोण आपका ए बी डी है, ए बी डी है, एक कोण है डी बी के। तो लिख देते हैं कोण ए ए बी डी, ए बी डी प्लस कोण डी बी के, डी बी के बराबर कोण ए सी बी ए सी बी ए सी प्लस ए सी बी, ए सी बी हमें दिया गया है 30 अंश। तो अब इसकी भी वैल्यू हम रख देंगे, कितना है 28 अंश दिया गया है, ए बी डी ये आपका हो जाएगा 28 अंश, प्लस ये आपका दिया गया है 30 अंश, ये आपका बराबर में कोण बी ए सी बी ए सी प्लस कोण 30 अंश, कोण 30 से 30 आपका कट जाएगा, जिससे बी ए सी बराबर कितना निकल के आया, 28 अंश, ये आपका 28 अंश हो गया। एक कोण तो आपको ये पता चला, एक कोण ये हो गया। उसके बाद अब हमको कौन सा कोण पता चल गया, ये 28 अंश है, ये हो गया 28 अंश। तो हमें केवल ये कोण निकालना है। और एक बात आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहीं पर लिख देते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल बराबर 180 अंश। तो कोण आपका कौन सा है, ए है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण ए की वैल्यू कितनी है, 28, तो ये हो जाएगा आपका 28 अंश, प्लस कोण बी हमें ज्ञात करना है, इसका पूरा नाम ले सकते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण सी की वैल्यू दिया गया 30 अंश बराबर 180 अंश। आगे देखते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे और बचेगा कोण ए बी सी प्लस, ये हो जाएगा आपको कितना, 8 और 3 2 हो जाएगा 5, बराबर में है 180 डिग्री, यानी कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 58। घटा देते हैं, कोण ए बी सी बराबर 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, ये बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और ये बचेगा 1, यानी कि कोण ए बी सी की वैल्यू निकल के आई 122 अंश, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी ये तीनों जो कोण निकल के आए हैं, इन्हीं को हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिमाग पे छप गया होगा। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 साल होता है, छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि पार्श्व चित्र में आर लंब है पी पर, ठीक है, यानी जो आर क्या है वो लंब है किस पर, पी पर।
ये जो है, ये जो आर है, ये वाली जो है पी पर क्या है, लंब है। जो कोण आर है वो क्यू पर भी लंब है। जो कोण आर है वो क्यू पर भी क्या है, लंब है। और कहा गया क्या पी समांतर है, क्योंकि जो पी जो रेखा है वो क्यू के क्या है, समांतर है या नहीं। यदि है तो क्यों, ये हमें कारण सहित बताना है। और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया यदि पी समांतर क्यों, यानी पी रेखा क्यों के समांतर है, तो कोण एक बराबर 63, तो कोण दो का मान ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे उत्तर नंबर एक। उत्तर नंबर कौन सा है, एक है। क्या पी क्यू समांतर है, तो हाँ लिखेंगे, हाँ पी समांतर क्यों। अब क्यों है, पी समांतर है, क्यों क्यों समांतर है, तो लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि एक एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर दो दो लंब रेखाएं, दो लंब रेखाएं परस्पर परस्पर समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा, 90 अंश का, 90 अंश कोण बन रहा, यानी ये बिल्कुल सीधी रेखा है और क्यों भी बिल्कुल सीधी रेखा है, यानी ये कहीं पर एक दूसरे को अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जो रेखा एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद न करें वो समांतर रेखाएं होती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, उत्तर दो। तो यदि पी और क्यू आपस में समांतर है, जब ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये इसकी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। जब तिर्यक रेखा हो जाती है तो जो इधर की ओर मुंह है, कोण है, वो इधर की ओर भी है। इसका मतलब ये दोनों संगत कोण है। जब संगत कोण है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखेंगे यदि, यदि दो समांतर, दो समांतर रेखाओं को, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा काटे तो, काटे तो संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो कोण एक है वो बराबर होगा कोण दो के। जब बराबर होगा तो कोण एक 63 है, तो कोण दो भी कितना हो जाएगा, 63 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आज की प्रश्नावली आपकी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, प्रश्नावली 9A। ठीक है, ये पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगली प्रश्नावली हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।